सोहम ध्यान विधि ध्यान लगाने का एक विशेष पद्धति है। सोहम ध्यान विधि से हम एकाग्रता की तरफ बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं, या यूँ कहें कि हम बहुत ही जल्दी एकाग्र हो जाते हैं। वैसे तो ध्यान लगाने की बहुत सारी विधियां हैं, सभी का अपना अपना महत्व है। सोहम ध्यान विधि भी ध्यान पद्धति में एक विशेष महत्व रखता है। अब आपके लिए कौन सी पद्धति सबसे अच्छी ध्यान पद्धति होगी, उसके लिए आपको खुद चयन करना होगा। कोई भी ध्यान पद्धति बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी ध्यान पद्धति का अपना एक विशेष स्थान है। जिस ध्यान पद्धति को आप बहुत ही सरलता से लगा सकते हैं और जिस ध्यान पद्धति से आप बहुत ही जल्दी ध्यान मग्न हो जाते हैं, तो वही ध्यान पद्धति आपके लिए सर्वोत्तम और सर्वोपरि है। सोहम ध्यान पद्धति भी ध्यान का एक अनोखा तरीका है, जिससे कि हम ध्यान में तुरंत एकाग्रता की तरफ बढ़ जाते हैं और ध्यान एवं एकाग्रता के मिश्रण से हम आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर पाते हैं। सोहम ध्यान विधि मूलतः अपने श्वासों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने का एक सरल माध्यम है। सोहम ध्यान विधि से आप 10 दिन में ही तनाव मुक्त हो जाएंगे और अपने आप में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से सोहम ध्यान विधि को हम कर सकते हैं। सोहम ध्यान विधि करने के लिए आपको सही समय, सही स्थिति और सही वातावरण का होना आवश्यक है। स्थिति यानी आप किसी भी आरामदायक स्थिति में सीधा होकर बैठने के तरीके को ही स्थिति कहते हैं। समय अर्थात जिस समय आपको कोई कार्य न हो, आप दिमागी रूप से बिल्कुल रिलैक्स हों, वह समय सोहम ध्यान विधि के लिए सही समय माना जाता है। वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें शांति, शुद्धता और एकाग्रता की क्षमता हो। तो ऐसी स्थिति, समय एवं वातावरण, इन तीनों का संग्रह हमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही मिल पाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण बिल्कुल शुद्ध और शांत होता है। आपको उस समय और कोई कार्य नहीं होता है या किसी कार्य का दबाव नहीं होता है। इसकी वजह से आप एक अच्छी स्थिति में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम समय माना जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर आपको स्थिति, समय और वातावरण, यह तीनों किसी और समय मिल रहा है, तो आप उस समय भी सोहम ध्यान विधि कर सकते हैं या कोई भी ध्यान पद्धति आप इस समय कर सकते हैं। तो सोहम ध्यान विधि के लिए आप किसी भी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। आरामदायक स्थिति वही होती है जिस स्थिति में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस स्थिति को आप आरामदायक स्थिति कह सकते हैं। अगर आप किसी आसन में लंबे समय तक बैठ सकते हैं, तो आप उस आसन में ही बैठें, अर्थात पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या ब्रजासन, यह चार आसन ध्यान के लिए उत्तम आसन माने गए हैं। अगर इन चारों आसनों में से किसी भी एक आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, तो आप इन्हीं चारों में से किसी एक स्थिति का अर्थात किसी एक आसन का चयन करें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब आप अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। श्वास जब अंदर जाता है तो शोक का ध्वनि उत्पन्न होता है, उसे महसूस कीजिए, उसे सुनने का प्रयास कीजिए। श्वास जब अंदर पूरी तरीके से चला जाता है और आप श्वास को एक क्षण के लिए रोकते हैं, वह समय आधा अ का होता है, अर्थात जब आप श्वास भरकर पेट में रोकते हैं, तो वह ध्वनि आधा अ का होता है, यानी उस समय आपको अ ध्वनि सुनाई देगी। और जब आप श्वास को बाहर निकालेंगे, तो आपको
ध्वनि सुनाई देगी। उस ध्वनि पर आपको ध्यान देना है। यही पद्धति सोहम ध्यान पद्धति कहलाती है, अर्थात श्वास लेते समय शो की ध्वनि सुनाई देती है, श्वास रोकते समय अ की ध्वनि सुनाई देती है और श्वास छोड़ते समय ध्वनि सुनाई देती है। हो सकता है प्रारंभ में आपको यह ध्वनि समझ में ना आए, परंतु आप इसे एक दो दिन के अभ्यास में ही सुनने लगेंगे। जब आप सोहम ध्वनि को सुनने और समझने लगे तो यही हुआ आपका सोहम ध्यान पद्धति। इसे ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह के 3 से 6 के बीच करना उत्तम माना गया है। आप इसे रात्रि में सोने से पहले भी कर सकते हैं। इसे दिन में कम से कम 30 मिनट अवश्य करना चाहिए। अगर आप इसे 30 मिनट हर रोज करते हैं तो आपको 10 दिन में ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आपका शरीर, आपके सोचने समझने की क्षमता, रहन सहन पहले से बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आपकी एकाग्रता बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगी। अब जब आप इसे सोहम ध्वनि के साथ ध्यान कर रहे हैं और आपको सोहम ध्वनि बहुत ही स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है, तो आप इसे भावनाओं के साथ जोड़कर अगर ध्यान करेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अर्थात आप शो ध्वनि के साथ ऐसी भावना रखिए कि आपके अंदर ढेर सारी ऊर्जा आ रही है। अर्थात जब आप श्वास ले रहे हैं तो शो ध्वनि की आवाज़ सुन रहे हैं और उसके साथ साथ आप ऐसी भावना रखिए कि आपके अंदर ढेर सारी ऊर्जा आ रही है और आप बिल्कुल पॉजिटिव होते जा रहे हैं। और के साथ ऐसी भावना रखिए कि आपकी सभी नेगेटिव थॉट्स आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। अर्थात जब आप श्वास बाहर निकाल रहे हैं तो ऐसे थॉट्स रखिए कि आपके शरीर की सारी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके शरीर से बाहर जा रही हैं। अगर आप सोहम ध्यान और भावनाओं दोनों के साथ ध्यान करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी सोहम ध्यान विधि की पद्धति। तो आपको यह पद्धति कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं। इसके बारे में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, अपना अनुभव भी हमें शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में इसे शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।